मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफिला एक किसान परिवार के बीमार बेटे के लिए भारी पड़ गया। नारायणपुर में भूपेश बघेल के काफिले के लिए पुलिस प्रशासन ने रास्ते बंद कर दिए थे, जिसके चलते किसान का 1.5 माह का बेटा समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सका, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, जिसको लेकर भाजपा नेता किसान परिवार से मिले और उनके लिए उचित मुआवजे की मांग की। नारायणपुर विधानसभा में स्थित चुनावन पंचायत की पटेल पारा में रहने वाले किसान परिवार मोहन कोरम का 1.5 माह का बेटा बीमार था, जिसको इलाज के लिए मोटरसाइकिल से कोंडा गांव के रास्ते अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहां 26 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आने को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कोंडा गांव जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया था, जिसके चलते वह बच्चा हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाया और उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे का इलाज रोड बाधित होने के कारण नहीं हो पाया। घटना के बाद पूर्व मंत्री केदार कश्यप सहित कई भाजपा नेता किसान परिवार से मिलने पहुंचे और सरकार से किसान परिवार को 10 लाख का मुआवजा राशि तत्काल देने की बात कही। प्रशासन से दोबारा इस तरह घटना ना दोहराने की अपील भी की। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि किसी वीआईपी का काफिला किसी की जान से ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण होता है। ये से रात से थोड़ा दूध नहीं पिए तो का तुम्हारे अस्पताल आते हो? हाँ अस्पताल तो रास्ता में का रोक दी? हाँ रोक दिया। क्या पुलिस वाला मन? हाँ दो ढाई घंटा। हाँ तो तुम टाइम से नहीं पहुंच पाए ना अस्पताल? टाइम से अस्पताल नहीं पहुंच पाए? क्या विचार है हम लोग पहुंचो के नहीं पावले, सब गेट बंद रहे, पुलिस बिता सब बाट कायद कर रहो, मैं अमरुक नहीं सकले, मैं टाइम में होली हुन लाखन बाती हम अस्पताल नहीं अमरुक अस्पताल भीड़ भाड़ नहीं अमरुक नहीं सकलू, मके शासन ले दी वाय आले हुन चो आप कायत हो आए मौजा। हाँ अरे नहीं दे यार काय करूँ है तो बच्चे पीला जान गेली शासन दिवाले। शासन चुक जनवरी को मुख्यमंत्री कोंडा गांव में आए हुए थे, जिसके कारण सारे जगहों पे बैरिकेड लगा के रास्ता बंद कर दिए गए थे और ये पीड़ित परिवार अपने बच्चे को लेकर इलाज के लिए अस्पताल जा रहे थे और वो अस्पताल समय से पहुंच नहीं पाए, बैरिकेड्स लगा हुआ था, समय से पहुंचते तो बच्चे की जान बच सकती थी। इस परिवार की संवेदना के साथ में हम सभी खड़े हैं, इनके दुख में हम सभी साथ में हैं, लेकिन प्रशासन की गलती की वजह से इनके बच्चे की जान गई है तो इनको मुआवजे के स्वरूप में 10 लाख रुपया प्रशासन दे, ये हम सभी प्रयास कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।